बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायदे आज़म एकेडमी फ़ॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट पंजाब लाहौर ने पंजाब भर के तमाम सरकारी स्कूल्स में सेकेंड शिफ्ट प्रोग्राम, जिसे इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम का नाम दिया गया है, उसमें छठी क्लास से आठवीं क्लास तक के साथ की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए लीड ट्रेनर सेलेक्ट करने की पॉलिसी और टाइमलाइन जारी की है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाले ये लीड ट्रेनर्स, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी और आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकेंगे, ये तीन चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी भी, ये जो पाँच सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स या साइंस, तो साइंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो प्योर साइंसेस होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह। इन पांच सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो या बीएस डिग्री हो, और जो कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट टीचर भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकता है, यानी किसी भी गवर्नमेंट, किसी महकमा के सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट मुलाजिम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन प्राइवेट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। इसमें जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 5 साल एक्सपीरियंस मिनिमम एलिमेंट्री लेवल का रिक्वायर्ड है, 8th क्लास का तक का, यानी जो भी हमारे सरकारी या प्राइवेट इदारे हैं उनमें मिडिल क्लास यानी एलिमेंट्री पोर्शन का 5 साल एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर है। और इसके साथ साथ आईटी स्किल्स का होना, ये भी बड़ा इसमें वैल्यूफुल होगा। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आगे हम देखते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, इसमें इन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग करानी होगी मास्टर ट्रेनर को। मास्टर ट्रेनर कौन होते हैं? मास्टर ट्रेनर वो ट्रेनर होते हैं जो टीचर्स को ट्रेनिंग कराते हैं, और लीड ट्रेनर वो होते हैं जो मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग करवाते हैं, यानी टीचर के ट्रेनर को मास्टर ट्रेनर कहते हैं और मास्टर ट्रेनर के ट्रेनर्स को लीड ट्रेनर्स कहते हैं। ये एक तो ट्रेनिंग भी करवाएंगे और साथ साथ उनके लिए डिफरेंट वीडियोस भी क्रिएट करेंगे और कंटेंट भी तैयार करेंगे इस ट्रेनिंग का, जो कि मास्टर ट्रेनर को कराई जाएगी। अब बात करेंगे एंड वाले पोर्शन की, हाउ टू अप्लाई। इसके लिए www.qaed.edu.pk/registration 5 सितंबर शाम 4 बजे तक इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर उनमें मज़ीद जो है उन जो रिक्वायर्ड हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा इंटरव्यू के बाद। याद रहे कि ये जो लीड ट्रेनर होंगे ये पूरे पंजाब से थोड़े से ही सिलेक्ट किए जाएंगे, जबकि उसके बाद जो मास्टर ट्रेनर सेलेक्ट होंगे वो काफ़ी अच्छी उनकी होगी रेशो, काफ़ी ज़्यादा तादाद में पंजाब भर से ये सिलेक्ट होंगे। तो वो भी मैं अपडेट इंशाल्लाह चैनल पे अपने शेयर कर दूंगा। अभी हम देखते हैं कि हमने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ये एक लिंक है qaed.edu.pk/registration, ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आज साइट सुबह 6 बजे तक ओपन हो रही थी, अब जो है ये ओपन नहीं हो रही। मैंने काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे ही साइट पे हो सकता है कि कोई उसमें अमेंडमेंट कर रहे हो किसी चीज़ में, किसी कोई काम कर रहे हो, तो इस वजह से साइट ओपन नहीं हो पा रही। जैसे ही ओपन होगी इंशाल्लाह मैं अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार एक नई वीडियो को सूरत में अपने चैनल पर शेयर करूंगा। आप आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। अस्सलामु अलैकुम।